गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस देखो, आज का व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा ही, मैंने जो लास्ट कल का व्लॉग है वो बहुत लेट, मतलब अभी आधे घंटे पहले अपलोड किया, क्योंकि समझ ही नहीं रहा था। कल लिस्ट बनानी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय चला गया, तो व्लॉग कैसे क्या बनाऊँ। तो फिर आज का भी थोड़ा कुछ कंटेंट ऐड कर लिया और बारिश आ रही थी तो ज़्यादा शूट भी नहीं किया। तो आई होप आपने वो व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिए फिर ये देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो 5 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, अभी देखते हैं कैसा क्या व्लॉग बनता है आज का। तो कहीं जाना रहा तो वो भी बताऊंगा ही आपको। तो गाइस देखो, अभी 7 बज चुके हैं और भैया का कॉल आया अभी कि मैं लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, फटाफट रेडी हो जा क्योंकि फ़ोन लेने जाना है आज। आपने कल के ब्लॉग में देखा है कि मैं घूम रहा था इधर उधर फ़ोन्स देखने के लिए, तो फाइनली फाइनल हो चुका है, अब भैया ही जानता है। तो चलो फटाफट चलते हैं स्टोर में फ़ोन लेने। सबसे पहले भैया आ रहा है तो फटाक से रेडी हो जाता हूँ क्योंकि वो सीधा जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे भी देर लगती है, दो ढाई घंटे तो लगते ही है। तो चलो फटाफट थोड़ा रेडी होता हूँ और भैया का इंतज़ार करता हूँ। तो भैया भी आ चुका है तो चलते हैं अभी फटाफट। अभी रेडी हो चुका हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ तो रेडी नहीं, फंक्शन में तो जाना ही नहीं है, शॉप में ही जाना है, तो बेसिक सा ऐसा रेडी हो चुका है। और चलो चलते हैं फटाफट अभी शॉप में मोबाइल लेना, थोड़ा एक्साइटमेंट हो ही रहा है क्योंकि पहला मोबाइल है मेरा लाइफ का। अभी तक तो व्लॉग तो मैं मम्मी के मोबाइल से ही करता हूँ, तो अभी मम्मी को भी उनका प्राइवेट मोबाइल मिल जाएगा और मैं भी फर्स्ट, मेरे लाइफ का फर्स्ट मोबाइल लेने जा रहा हूँ, तो थोड़ी एक्साइटमेंट हो ही रही है। तो चलो देखो, अभी शॉप के लिए निकल चुके हैं घर से, अभी देखते हैं मतलब कितनी देर लगती है मोबाइल लेने को। तो चलो आपको भी दिखाता ही हूँ कैसा, मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह से बोल रहे थे कि 2-3 पीसी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। तो चलो हो गया, सुबह था 2 पीस थे सुबह, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अभी भैया ने बोला कि कल मैं कॉल करता हूँ कल आने के बाद, तो देखते हैं कल आता है कि 2-3 दिन लगते हैं उसे। अभी तो एकदम लाइट चला गया, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो अभी चलता हूँ घर पे। तो गाइस देखो, अभी महाराष्ट्र के पास आ चुके हैं पानी पूरी खाने के लिए। महाराष्ट्र तो भेल बना रहे। ये देखो भैया, भैया की फरमाइश थी आज कि चलते हैं, बहुत दिन हो गए पानी पूरी नहीं खाई, तो मैंने भी बोला हाँ चलो। तो यहाँ पानी पूरी खा रहे हैं और भेल बना रहे थे भैया महाराज, तो भैया बोले भेल खाता के, लेकिन मुझे पानी पूरी खानी थी। तो गाइस देखो, फाइनली अभी जस्ट घर पे आ चुका हूँ और थोड़ा सा निराश लग रहा है क्योंकि आज फ़ोन लेने का बहुत मन था, लेकिन जो चाहिए मॉडल वो अवेलेबल ही नहीं है। मतलब कलर में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे लेकिन वो मॉडल ही अवेलेबल नहीं था आज। तो कोई नहीं, भैया ने बोला है कल, अभी कॉल करेंगे जाने से पहले कि कल है कि नहीं है, तो दिखाऊंगा ही आपको। तो चलो थोड़ा फ्रेश होता हूँ, अभी जस्ट आया। तो हे गाइस, आज का सेकंड है। कल रात को तो आपने देखा शॉप से आया, उसके बाद बहुत थक गया था इसलिए जल्दी सो गया। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ सबसे पहले जिम में बैग रखने और फिर वहाँ से जाऊँगा ड्राइविंग के लिए। तो चलो आज ड्राइविंग के भी कुछ शॉट्स दिखाऊंगा आपको। और देख ही सकते हो गाइस, पीछे का रोड तो अभी भी गीला ही है और धीरे धीरे फव्वारे शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे मतलब ज़्यादा गीला नहीं हो रहा इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो आज गाड़ी से जाना प्रेफर करता था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीग जाता था। तो चलो फटाफट चलता हूँ और ड्राइविंग करने। तो गाइस अभी ड्राइविंग स्कूल में तो आ गया था और ड्राइविंग करने भी चला गया था ड्राइविंग क्लास के लिए। अभी 3 जन बैठे थे और 2 मेरे दोस्त बैठे थे, तो अभी दोस्त की टर्न थी गाड़ी चलाने की, तो वो चला रहा था। और बाहर का नज़ारा देखो गाइस, बहुत ऑसम है।
तो गाइस देखो, आज फुल घाट के साइड में गाड़ी चलाने के लिए भैया लेके आया है। तो देख ही सकते हो सब जगह, मतलब ऐसे मोड़ मोड़ वाला रास्ता था। बस दो दो मिनट बाद एक एक मोड़ आ रहा था, तो उसमें मज़ा आ रही थी। आप देख ही सकते हो साइन, मतलब ऐसे थे ही हर दो दो तीन तीन मिनट बाद, तो अच्छा लग रहा था। तो आप व्यू एंजॉय कीजिए। तो गाइस देखो, आपने देखा ही, अभी ड्राइविंग से आया। बहुत अच्छा जगह लेके गए थे आज भैया, मतलब एक ऐसे ही घाट का रीजन था, वहाँ लेके गए। तो क्योंकि प्रैक्टिस उसकी भी होनी चाहिए, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाने की वहाँ, तो मैंने भी चलाई और आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स तो दिखाई दिए है। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलो अभी जिम में जा रहा हूँ और जिम में देखते हैं क्या होता है आप। तो गाइस देखो, अभी जिम में बैठा हूँ, मतलब अभी एक्सरसाइज की, दो मिनट के लिए रेस्ट के लिए बैठा हूँ, तो फिर और दूसरी एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो गाइस देखो, ऐसा कुछ मेरा जिम है और अभी ये एक्सरसाइज करने वाला हूँ मैं, तो देख सकते हो बहुत लोग हैं जिम में। तो दोस्तों, आज तो पूरी हवा टाइट हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया आज, मतलब अभी भी चालू ही है। सर ने आज दो तीन नए एक्सरसाइज बताए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थक गया। तो चलो अभी ये मशीन करने आया हूँ मैं, तो चलो फटाफट ये मशीन करता हूँ और नीचे चलता हूँ जुम्बा के लिए। गाइस अभी जस्ट घर पे आया जिम से, अब देख ही सकते हो क्या हाल बन चुका है। और यहाँ पे भी, घर में भी एक ही जगह पे खड़े रखा है मम्मी ने, क्योंकि अभी पोछा लगा रहे हैं। तो रुको दिखाता हूँ आपको। गाइस देखो, पूरे टाइल्स पे पोछा लगाया है ये, यहाँ देखो मम्मी पोछा लगा ही रही है। तो चलो मैं यहाँ एक इस पे खड़ा हूँ, तो दो मिनट में सूखने के बाद उधर जाऊँगा। दोस्तों अभी देखो, थोड़ा सा फ्रेश हो लिया, मतलब नहाया वगैरह तो नहीं, टी शर्ट वगैरह चेंज कर ली क्योंकि वो तो पूरे पसीने की हो गई थी। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा ही कि हमारा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि फ़ोन नहीं मिला था, लेकिन कोई नहीं, आने वाले ब्लॉग में तो मिल जाएगा, कभी ना कभी तो स्टॉक में आ ही जाएगा फ़ोन। तो देखते हैं कब तक आता है। आप भी थोड़ी कमेंट में गुड विशेस लिख दो मेरे लिए कि सही सही फ़ोन मिलना चाहिए, और आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलो आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ, क्योंकि 8 बजे तो ब्लॉग आ नहीं सका आज, आज भी 10 बजे तक आ जाएगा ब्लॉग। अभी कल से कंसिस्टेंटली 8 बजे आएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। तो चलो आज का ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।